आज मैं केक बनाना बता रही हूँ, एगलेस केक, और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो बता रही हूँ। 1 कप मैदा, 3/4 कप पाउडर शुगर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून बटर, 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सोडा और 3/4 कप मिल्क। इन सबको मिलाकर आज हम एक एगलेस केक इन माइक्रोवेव बता रहे हैं। आज हम बना रहे हैं यहां पर एगलेस केक, और एगलेस केक कैसे बनता है उसके बारे में बता रही हूं। देखिए, सबसे पहले हमने लेना है 3/4 कप पाउडर शुगर। 3/4 कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई शक्कर, 1 कप मैदा, ये सब ऑलरेडी छना हुआ है, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, बटर 2 टेबलस्पून, या घी या बटर या जो भी चीज हमारे पास फैट है या ऑयल वो हम इसमें ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सोडा, दोनों चीजें डलती हैं जब एगलेस केक बनाया जाता है। इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो एक बार बता दूं। 1 कप मैदा, 3/4 कप पाउडर शुगर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सोडा, 2 टेबलस्पून एनी फैट हमने डाला है बटर, और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और उसके बाद इन सबको मिक्स करके इसके अंदर मैं डाल रही हूं 3/4 कप मिल्क। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, इसकी ऐसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये एगलेस केक है और इसमें हमने एक केक टिन लिया है बोरोसिल का, और इसके ऊपर पूरा बटर से हमने ग्रीस करके रख दिया है, और इसके ऊपर से थोड़ा सा डस्टिंग कर रही हूं। इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये नहीं निकलता केक इसमें से, तब फिर हमें लगता है कि हमने इसमें ये क्यों नहीं डाला था मैदा, है ना, तो हमको ये जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा एक सेफ साइड हमारा और है, वो कभी किसी दूसरे केक में भी बताऊंगी, लेकिन आज मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने एक बटर पेपर लिया है और उस बटर पेपर को लेके मैं इस तरह से कट कर रही हूं ताकि ये राउंड आ जाए। जिस तरह से काटा है, मुझे एकदम से ध्यान आया कि हमें इस केक से डेजर्ट बनाना है, और अगर ये प्रॉपर नहीं निकला, इसमें ही चिपक गया, तो फिर हमारा ये बनेगा नहीं डेजर्ट, इसलिए मैंने इसके अंदर ये बटर पेपर लगाया है। आपको एक बार में एक ही चीज करनी है, या बटर पेपर करें या डस्टिंग करें, है ना। मैंने डस्टिंग तो कर दी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कभी नहीं निकला तो अपना सेफ साइड ले लो, और इसके बाद इसमें मैंने ये पोर कर दिया है बहुत अच्छी तरह से सारा इसमें डाल के। इसे हमें माइक्रोवेव में रखना है 5 मिनट के लिए। मैं इसको लूंगी और माइक्रोवेव में रखूंगी। माइक्रोवेव की टर्न टेबल के ऊपर मैंने रखा है ये, और इसको टाइम दूंगी मैं 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम माइक्रोवेव में, एक स्टीम केक बनेगा, और ये केक हमें डेजर्ट के काम आएगा या आइसिंग करने के। जब भी कभी हमें जल्दी होती है तो इसी केक को बनाएं, ताकि आप उस पर आराम से आइसिंग करें, और दूसरा बेकिंग वाला केक उस वक्त बनाए जब हमें आइसिंग नहीं करनी है, है ना। केक रेडी हो गया है और इस तरह से ये बना है। एकदम सॉफ्ट केक बनता है, जो कि अपन एगलेस केक बना सकते हैं ऐसा स्पॉन्ज केक, और इसको हमको डीमोल्ड करना रहता है, तो ऐसे करते हैं। इस तरह से इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे।
और ठंडा होने पे या अभी भी निकाल सकते हैं, इस तरह इसको पूरा निकालें, ठंडा होने पे निकालें तो ज्यादा अच्छा है, ये पूरा निकल आएगा। अब हम इससे किसी भी तरह का केक बना सकते हैं। आज हमने ये प्लेन स्पॉन्ज केक इन माइक्रो बताया है और इससे मैं तिरामिसू जो कि एक इटालियन पुडिंग है वो बताने वाली हूँ, और इसकी आगे की फिलिंग और इसका डेकोरेशन मैं करूंगी। मैंने सबसे पहले प्लेन स्पॉन्ज केक बनाया है। मैं आज यहाँ पर एक इटालियन पुडिंग तिरामिसू बना रही हूँ। तिरामिसू को हम ग्लास में भी बना सकते हैं और एज अ केक भी बना सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आज केक बना के रखा है, ये आप लोगों को बताया है। और उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे उसमें है हंग कर्ड सूखा हुआ दही, रिकोटा चीज जिसे कहते हैं, वो है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ग्रेटेड पनीर है और 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है, है ना। इन तीनों को मिला के मैं इसकी एक फिलिंग तैयार करूंगी। और यहाँ पर मैंने पानी लिया है 1/2 ग्लास पानी, उसमें मैं चीनी डालूंगी 2 टेबल स्पून और कॉफी डालूंगी, एक ब्लैक कॉफी यहाँ तैयार करूंगी। हमने पानी लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर, 2 टेबल स्पून शुगर लिया है और कॉफी ले रही हूँ, एक चम्मच कॉफी, और इस तरह से इससे ब्लैक कॉफी बना दूंगी। ये ब्लैक कॉफी बन गई एक चीज, और एक तरफ मैं करूंगी इन तीनों चीजों को मिला लूंगी। मैं इसके बीच की फिलिंग तैयार कर रही हूँ स्टफिंग की, तो मैंने मिल्क मेड लिया है और उसके अंदर तुम कोई भी कंडेंस्ड मिल्क आप ले सकते हैं, और इसके अलावा इन दोनों को मैंने मिक्स किया है इसमें, और इसमें डाल रही हूँ पनीर। इन तीनों को मिक्स करके इसकी हम एक फिलिंग बना लेंगे, अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर दूंगी। केक को हमें 2 पीस में कट करना है ताकि इसके बीच में हम स्टफिंग रख सकें। इसको मैं एक ग्लास में भी बना के बताऊंगी। मैंने केक का कुछ पोर्शन निकाल के यहाँ पे अलग रखा है ऊपर का, तो उससे भी करूंगी। और इसके बाद ये जो हमने 2 पीस करे हैं इसमें मैं ये सिरप से सोक कर दूंगी, कॉफी सिरप है ये, ब्लैक कॉफी। मैंने कॉफी सिरप से इसको सोक करा है और इसके बाद इसमें मैं इससे स्टफिंग कर रही हूँ, और ये स्टफिंग डाल रही हूँ मैं पनीर और हंग कर्ड, और इसके बाद हमने इसमें मिक्स करा था मिल्क मेड यानी कि कोई भी कंडेंस मिल्क, और इसको ऐसे सेंटर पे रख के मैं दूसरा पीस केक का इस पे डालूंगी। और उसके पहले केक के इस पीस पर मैं अंदर से सोक कर देती हूँ कॉफी सिरप, फिर ऊपर से बाद में करूंगी। इसके ऊपर से हम आइसिंग से कवर कर देंगे सारा। पहले इसके ऊपर मैं इस तरह से बना दे रही हूँ और फिर साइड से पर लगा रही हूँ और फिर इसको लेवल कर दूंगी। इस तरह से इसको चारों तरफ से आइसिंग से कवर कर देंगे, जहां आइसिंग कम है वहां और लगा देंगे, और सारा व्हिप क्रीम की आइसिंग से इसको कवर कर लेंगे। इस तरह से इसको किनारे से पूरा बहुत अच्छे से कवर हो जाए, और फिर इसके बाद इसके ऊपर से एकदम सीधा रख के हम ऐसे इसको कवर कर देंगे।
अब ये जो है इसके ऊपर से हम डालेंगे या तो कॉफी या बॉर्नविटा, जो भी चीज हमें अच्छी लगे। अगर हम ज्यादा कड़वा खा सकते हैं तो कॉफी लेंगे, और यदि नहीं खा सकते तो फिर बॉर्नविटा डालेंगे, तो बॉर्नविटा से भी बहुत अच्छा आ जाता है ना। तो पहले हमने पूरा कवर कर लिया केक, अब इसके ऊपर से डालेंगे कॉफी या बॉर्नविटा। बॉर्नविटा को हमने लिया है और इसको मिक्सी में थोड़ा सा पीस लिया है, और फिर इस तरह से इसको इसके ऊपर से डाल रहे हैं ताकि ये एक शाइनिंग वो दे देगा अपने को इफेक्ट, बॉर्नविटा इसके पानी के साथ मिलके, है ना, मॉइस्चर के साथ मिल जाएगा तो एक शाइनिंग इफेक्ट दे देगा, और वही हमें चाहिए इसमें। अब अगर हम इस पर कॉफी डालते हैं ना तो बहुत कड़वा हो जाता है और खाया नहीं जाता। और कई बार हम इसके साथ चॉकलेट केक भी बनाते हैं, अगर आप चाहें तो केक चॉकलेट का भी कर सकते हैं, अगर आप इतना कड़वा खा सकते हैं तो, और नहीं तो व्हाइट केक पे भी बना सकते हैं, वैनिला केक पे भी हमने करा है। इस तरह से पूरा इसको हमने इससे कवर कर दिया है, अब इसके ऊपर से हम व्हिप क्रीम से थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन कर देंगे। इसके ऊपर से ऐसे कर दूंगी डेकोरेशन, वो आपको इधर से लेना पड़ेगा। इसके बाद हम इसकी किनार बना दे रहे हैं ताकि अगर अपनी कोई इसमें वो दिख रही है गलती तो वो भी छुप जाए। इस तरह से छोटे छोटे से स्टार मैं इसमें बना रही हूँ किनारों पे। ये एक ऐसी डेजर्ट है जो कि हम इटालियन फूड के साथ बनाएं तो अच्छा लगता है, और बनाई जाती है, अच्छा नहीं लगता, बनाई जाती है इटालियन फूड के साथ ही। और इसको हम ग्लास में भी आपको बना के दिखाएंगे ताकि ग्लास में कैसे बनाना है, है ना। और ये रेडी है, ये केक नहीं है, एक डेजर्ट है जिसके अंदर काफी अच्छी एक फिलिंग की हुई है। देखिए बहुत अच्छे से ये आया है। मैंने एक प्लेन स्पॉन्ज केक बनाया था माइक्रोवेव में, जिसको कि मैंने ग्रिल नहीं किया था, माइक्रो का केक बनाया था, तो उससे मैं एक ग्लास का भी ये बना दे रही हूँ कि अगर हम चाहें तो इस तरह से भी सर्विंग कर सकते हैं इसकी। और इसमें मैं डाल रही हूँ सेम वही कि केक लिया है और उसके ऊपर से हमने कॉफी सिरप, जो कि ब्लैक कॉफी जिसे कहना चाहिए, से इसको सोक कर दिया है, और फिर इसके ऊपर से हमारे पास ये फिलिंग रखी हुई है जिसमें हंग कर्ड, रिकोटा चीज, और इसमें है कंडेंस मिल्क और पनीर, वो हमने इसमें डाला था। और इसके बाद इसके ऊपर का जो ये केक है वो भी हम इसमें डाले दे रहे हैं, और केक जितना ऊपर से फूला था वही मैंने इसमें डाला था, तो बहुत ज़्यादा केक भी नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर भी मैंने इसको वैसे कर दिया है। मैं व्हिप क्रीम डाल रही हूँ ताकि ये भी इस पे कवर हो जाए अच्छी तरह से। थोड़ा सा भी ये खाली नहीं रहे, और फिर इसके ऊपर से मैं डालूंगी ये जो बॉर्नविटा को मैंने मिक्सी में पीस के ड्राई करा था एकदम बढ़िया, जिसके लम्ब्स नहीं रहे, ऐसा बॉर्नविटा कर लिया था, और वो इसके ऊपर से डाल रही हूँ। मुझे बेकर्स विला से एक चॉकलेट टॉपिंग मिली थी जो कि मैं इसके ऊपर करके देखती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है इससे, और इस तरह से पूरा ये चॉकलेट का हो गया है ना। तो हमने एक बहुत अच्छा डेजर्ट बनाया है, और इसमें हम
इसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां कर देती हूं। बहुत दिन से मैं ये सोच रही थी कि इस टॉपिंग को यूज करके कुछ बनाऊं, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और ये बन गया, तो ये टॉपिंग भी यूज हो गई और हमने बना लिया है आज तिरामिसू, जो कि एक इटालियन पुडिंग है, इटालियन डेजर्ट है, जो कि हम इटालियन डिशेस के साथ सर्व कर सकते हैं।